हेलो, मैं डॉक्टर हर्ष गर्ग हूँ। मैं कंसल्टेंट सर्जन एल्केमिस्ट हॉस्पिटल सेक्टर 21 पंचकुला में काम करता हूँ। आज मैं आपको ब्रेस्ट डिजीज के बारे में बताना चाहता हूँ। जनरली इट्स अ वेरी कॉमन एंड इट इज अक्रॉस द एज ग्रुप्स दैट फीमेल्स हैव ब्रेस्ट लम्प्स, जो छाती में किल्टियां हम कहते हैं। ये बड़ी कॉमन है एंड इट्स अ सोर्स ऑफ पैनिक अमंग द फीमेल्स। एक किसी को गिल्टी लगती है छाती में तो पहला दिमाग उसमें यही जाता है कि ये कैंसर तो नहीं है कहीं। वन, आपको यू हैव टू बी रीअश्योर्ड कि 8 में से 10 केसेस में ये कैंसर नहीं होता, केवल 2 में होता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने डॉक्टर को नहीं दिखाएंगे, आप आकर एक बार जरूर डॉक्टर को चेक कराएंगे। इसकी इन्वेस्टिगेशन बड़ी सिंपल है, एक मेमोग्राफी कराई जाती है या अल्ट्रासाउंड कराया जाता है या फिर एक और उसके बाद एक सुई की जांच की जाती है जिससे कि उसमें से थोड़े से सेल्स निकाल के उनको चेक किया जाता है। मेजॉरिटी ऑफ दी जो ब्रेस्ट की ये गिल्टियां होती हैं इनको कंजर्वेटिवली मैनेज कर सकते हैं अगर ये कैंसर नहीं है तो। कुछ में इनको निकालना पड़ता है, अगर कैंसर है तो उसके अंदर ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरी होती है जिसमें कि गिल्टी और हाथ के नीचे कच्छ में से पूरे सब कुछ निकाला जाता है फैट को। और दूसरी चीज होती है कि पूरी ब्रेस्ट को हम निकाल सकते हैं। इसके बाद जनरली कीमोथेरेपी दी जा सकती है और रेडियोथेरेपी भी दी जा सकती है। मैं डॉक्टर हर्ष गर्ग, मैं ब्रेस्ट एंड एंडोक्राइन सर्जरी SGPJ लखनऊ में भी काम कर चुका हूँ। मैं इस वक्त एल्केमिस्ट हॉस्पिटल सेक्टर 21 पंचकुला में बैठता हूँ। थैंक यू।